हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। में सुषमा बोली, रुपए के साथ पीएम की गरिमा गिरी, अब रुपया और गिर गया तो गरिमा बढ़ रही है क्या? रुपए ने अपनी कीमत खोई और आज प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खोई। इन शब्दों को ट्वीट की शक्ल में साझा किया था सुषमा स्वराज ने। तारीख थी 30 अगस्त 2013, लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। उस वक्त बीजेपी विपक्षी पार्टी थी और सुषमा स्वराज एक फायर ब्रांड नेता। तब लगातार गिरती रुपयों की कीमत की तुलना सुषमा स्वराज ने पीएम की गरिमा से कर दी थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। दरअसल अगस्त 2018 में $1.6739 पर आ चुका था, लेकिन सवाल ये है कि आज सुषमा स्वराज चुप क्यों है? रुपए की कीमत तो अब भी लगातार गिर रही है, क्या अब गिरते कीमत के साथ पीएम की गरिमा नहीं गिर रही? आज यानी 29 जून 2018 को $1.6843 का हो गया, मतलब अभी रुपए की कीमत अगस्त 2013 से ₹2.04 कम है। ये हालत तब है जब नरेंद्र के नेतृत्व में बीजेपी अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुकी है। पिछले 4 साल में नरेंद्र मोदी रुपए की गिरती कीमत को क्यों नहीं रोक पाए और इस मुद्दे पर सुषमा स्वराज चुप क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि उनकी ही पार्टी की सरकार है या विदेश मंत्रालय की कुर्सी छिन जाने का डर है। वजह जो भी हो, लेकिन चुप्पी शर्मनाक है। RTI 10 लाख के सूट के बाद करोड़ों के टूर का खुलासा। विदेशी यात्राओं पर 355 करोड़ खर्च कर गया ये फकीर। खुद को फकीर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 4 वर्षों में अपनी विदेशी यात्राओं पर अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। ये बात एक RTI के खुलासे में सामने आई है। RTI में बताया गया कि पीएम मोदी ने अब तक विदेशी यात्राओं पर 355 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। 40 विदेशी दौरों में उन्होंने 52 देशों की यात्रा की, जिसमें 355 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक RTI के जवाब में पीएमओ ने इसकी जानकारी दी। कार्यकर्ता भीम पप्पा गरड द्वारा दायर ये RTI दायर की गई है। RTI कार्यकर्ता भीम पप्पा गरड ने बताया कि हाल ही में समाचार रिपोर्ट्स में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की भारी आलोचना की गई थी, जिसके बाद ही मैंने उनके विदेश दौरे के विवरण मांगने के लिए RTI के तहत आवेदन किया और मैं आंकड़ों को देखकर चौंक गया। पीएमओ ने यह भी बताया कि इन यात्राओं के दौरान पीएम मोदी करीब 165 दिनों के लिए विदेश में रहे। RTI में मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने पीएम की 9 दिवसीय त्रिकोणीय यात्रा फ्रांस, जर्मनी और कनाडा पर 31,25,78,000 रुपए खर्च किए, जो कि एक ही यात्रा पर खर्च की गई उच्चतम राशि है। दुनिया का स्विस बैंक में पैसा सिर्फ 3% बढ़ा और भारतीयों का 50%। क्या काला धन बढ़ा रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उसके राज में देश में काला धन घटा है, लेकिन हाल ही में सामने आई स्विस बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत में काला धन घटा नहीं बल्कि पूरे विश्व के मुकाबले 15 गुना तेजी से बढ़ा है। स्विस बैंक की हालिया रिपोर्ट ने काले धन के खिलाफ अभियान चलाने में मोदी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
बता दें कि स्विस बैंक में भारतीयों का धन 85% बढ़कर लगभग 7,000 करोड़ रुपए हो गया है। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार के अभियान के बावजूद स्विस बैंकों में भारतीयों के धन में हुई वृद्धि हैरान करने वाली बात है। भारतीयों द्वारा स्विस बैंक खातों में सीधे तौर पर रखा गया धन बढ़कर 99.9 करोड़ स्विस फ्रैंक और दूसरों के माध्यम से जमा कराया गया धन भी बढ़कर 1.6 करोड़ स्विस फ्रैंक हो गया है। इतना ही नहीं, जब पूरे विश्व के लोगों का स्विस बैंक में डिपॉजिट सिर्फ 3% बढ़ा तो वहीं भारतीयों का 50% बढ़ गया है। जब पूरी दुनिया में काले धन पहले के मुकाबले कम बढ़ रहा है, वहीं भारत में इसकी बढ़ोतरी विश्व के मुकाबले 15 गुना ज्यादा तेजी से हो रही है। ये आंकड़ा मोदी सरकार के काले धन के खिलाफ तथाकथित अभियान पर सवाल उठाता है। इन आंकड़ों के बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। इसी के साथ अब घर से भी वार हुआ है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको लेकर वित्त मंत्रालय में सचिव हसमुख आधिया पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि वित्त सचिव अधिया के लिए एक बड़ी कामयाबी, एक तरफ पूरी दुनिया का स्विस बैंक में डिपॉजिट सिर्फ 3% बढ़ा तो वहीं भारतीयों का 50% बढ़ गया। उन्होंने लिखा कि आधिया इससे भी ज्यादा मैनेज कर सकते थे अगर राजेश्वर ईडी अफसर बीच में न आते। बीजेपी प्रवक्ता अपने विरोधियों को देशद्रोही, मूल्य और नक्सली कहते हैं और एंकर दांत दिखाकर हामी भरते हैं मनोज झा। न्यूज चैनल के एंकरों की बेहाई पर नेता और बुद्धिजीवी अब खुलकर बोलने लगे हैं। दरअसल एंकरों ने अपनी बेशर्मी से ऐसा करने को मजबूर कर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मनोज झा, जो अब राजद से राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने मीडिया पर कड़ी टिप्पणी की है। मनोज झा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 70 सालों में जो नहीं हुआ वो बीते 4 सालों में इस हुकूमत ने हासिल कर लिया। अब टीवी चैनलों की सार्वजनिक बहसों में सत्ता प्रतिष्ठान के प्रवक्ता अपने प्रतिस्पर्धी को दलाल, देशद्रोही, अबे मुल्ले, अबे नक्सल कहते हैं और एंकर गण सहमति में दांत निपोड़ते रहते हैं, जय हिंद। मनोज झा टीवी डिबेट में शामिल होते रहे हैं, लेकिन अब टीवी डिबेट की जो हालत बन चुकी है, ये ट्वीट उसकी आलोचना है। विपक्षी दलों के नेताओं को अक्सर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा दलाल, देशद्रोही, अबे मुल्ले, अबे नक्सल कहकर बोलते हैं। टीवी डिबेट में अब तर्कों और तथ्यों पर बहस नहीं होती, कीचड़ उछालना, नीचा दिखाना, दलाल, देशद्रोही, मुल्ला, नक्सल होने का सर्टिफिकेट देना बहस का मुख्य काम बन चुका है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा इस काम को बखूबी करते हैं। न्यूज चैनल के एंकर गण इस काम में पात्रा का पूरा सहयोग करते हैं। क्या किसी न्यूज चैनल ने आज तक संबित पात्रा को इस बदतमीजी के लिए बाहर का रास्ता दिखाया? नहीं, उल्टा अब तो एंकर भी संबित पात्रा की भाषा बोलने लगे हैं। बहस का ये निम्न स्तर बीजेपी के 4 साल की थाती है। बीजेपी और बाबा की साझी लूट, भाजपा ने पतंजलि को कौड़ी के दाम जमीने देकर खड़ा किया 70,000 करोड़ का साम्राज्य। योग गुरु से व्यापारी बने बाबा रामदेव क्या योग के बहाने देश में अरबों की जमीन हथिया रहे हैं? हाल ही में राजस्थान में बाबा रामदेव द्वारा जमीन लेने पर विवाद हो गया। अगर 2014 के बाद देखें तो लगातार जमीन के चलते अलग अलग राज्यों में रामदेव विवादों में घिरे रहे हैं। राजस्थान के करौली जिले में रामदेव ने श्री गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट से 401 बीघा जमीन लीज पर लेने के लिए समझौता लिया है। ये जमीन उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए ली गई है। इस प्रोजेक्ट में योगपीठ, गुरुकुल, आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन केंद्र और गौशाला का निर्माण होना है। ये जमीन मंदिर की है, लेकिन मंदिर के नाम जमीन का अर्थ ये नहीं कि जमीन मंदिर के स्थापित मूर्ति की है। नियमों के मुताबिक इस जमीन को मंदिर का ट्रस्ट ना तो बेच सकता है और ना ही गैर कृषि कार्य के लिए लीज पर दे सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विभूषी भूषण शर्मा इसी आधार पर लीज डीड को अवैध करार देते हैं। इसके बावजूद राज्य की भाजपा सरकार की देखरेख में ये सब होता रहा। इतना ही नहीं, इस जमीन पर वहां के किसानों का भी दावा है, फिर भी रामदेव जमीन का पीछा नहीं छोड़ रहे। इस पूरे मामले में सरकार का रुख शुरू से ही सवालों के घेरे में है। पहले तो देवस्थान विभाग को कथित रूप से मंदिर की मानी जाने वाली जमीन को गैर कृषि कार्य के लिए लीज पर देने पर ही ट्रस्ट के खिलाफ जांच करनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तो उल्टा इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास ही कर दिया। आमतौर पर किसी भी प्रोजेक्ट के आधारशिला रखने से पहले उससे जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, लेकिन रामदेव से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास अवैध लीज डीड होने मात्र से हो गया। ना तो उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जमीन का नियमन करवाया और ना ही नक्शा आदि पास करवाए। क्या बीजेपी दे रही है रामदेव को अरबों की जमीनें? भाजपा के सत्ता में आने के बाद से बाबा रामदेव को पूरे देश में कभी लीज के नाम पर, कभी सस्ते दामों में सरकार जमीन दे रही है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार के दस्तावेजों के अनुसार भाजपा द्वारा शासित राज्यों में पतंजलि के बाजार मूल्य से 70% कम दाम पर जमीन दी गई। इस हिसाब से भाजपा ने रामदेव को जमीन खरीद में 300 करोड़ का लाभ पहुंचाया है। 2014 से अब तक पतंजलि ने 2000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। भाजपा शासित प्रदेशों में अक्सर रामदेव को मिलने वाली जमीनें विवादों के घेरे में रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद को 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के भाव वाली जमीन सिर्फ 25 लाख रुपए एकड़ के भाव में दे दी थी, जहां पतंजलि ऋषिकेश की तरह नागपुर में भी 600 एकड़ जमीन में फूड पार्क बनाना चाहती है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने उन 2 सूचना अधिकारियों को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जिन्होंने RTI में मांगने पर यह जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, पिछले साल वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में मोदी सरकार ने पतंजलि के साथ 10,000 करोड़ के AMU पर हस्ताक्षर किया। AMU का ऐसा समझौता होता है जो व्यापार के लिए 2 भागीदारों के बीच होता है। इसमें दोनों भागीदारों की ओर से व्यापार शर्तें दर्ज होती हैं। इस पर हस्ताक्षर के बाद मोदी सरकार पतंजलि को 10,000 करोड़ का व्यापार दे सकती है। भाजपा राज में हो रहा पतंजलि का विकास। भाजपा की सत्ता में आने के बाद पतंजलि की कमाई में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2013 तक पतंजलि की सालाना कमाई $156 मिलियन थी, जो 2015 में बढ़कर $322 मिलियन हो गई। पिछले साल मई में बाबा रामदेव कह चुके हैं कि उनकी कंपनी की इस वर्ष की कमाई $1.6 बिलियन रही है। मोदी सरकार ने देश के सुरक्षा बलों की कैंटीन के ठेके भी पतंजलि को दे दिए हैं। वरुण इंडिया रिच लिस्ट 2017 के अनुसार योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण देश के 8वें सबसे अमीर भारतीय हैं। 2016 में वो इस लिस्ट में 25वें स्थान पर थे, लेकिन 2017 में संपत्ति में 173% की बढ़ोतरी के साथ वो 8वें स्थान पर आ गए हैं। उनकी संपत्ति 70,000 करोड़ की हो गई है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।